coverage say. उसकी हमने इब्तदा इसलिए रखी थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है बड़ा पैसा खर्च करती है एजुकेशन रेशो के नदार उनको हम आगे तक ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी होती है, तरक्की है, हो रही है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं है। ना है तो दो बच्चे तीन बच्चे हैं, इनका यूनिफॉर्म किताबें सारा कुछ उसकी इब्तदा होता है। लोकली असल में लोकली जो है ना वो उसकी मोटिवेशन है। एक अपने बच्चे के साथ एक दूसरा बच्चा वो अगर गोद ले ले तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज पाकिस्तान पाकिस्तान आप सब हजरात खड़े होकर इस्तकबाल करें अपने मुअज्जज मेहमानों खुशी का। वाजिब एहतराम काबिल कदर व सदे इफ्तिखार हमारे मुअज्जज मेहमान खुसूसी जनाब फिरोज शाह साहब एसएसपी जिला इटावा
और हमारे दूसरे मुअज्जज़ व सदे इफ्तिखार और परवकार शख्सियत के मालिक मेहमान जनाब हाजी अकनवाज खान नायब नाजम यूनियन कौंसल गढ़ी फुलगुरान, जनाब सरपरस्त आला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट सूबा सरहद मोहब्बत खान जदून, हमारे दूसरे पायर से आए गए मुअज्जज़ मेहमानों, अजीज व वाजिबल कदर बुजुर्गों, जनाब प्रिंसिपल नज़ाकत खान अल फुरकान पब्लिक स्कूल मलका, मुअज्जज़ असातिज़ा कराम, नौजवान साथियों और मेरे अजीज बहनों और अजीज तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम अपने मुअज्जज़ मेहमान खुसूसी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी बेपनाह लामहदूद और लामतनाही मसरूफियात के बावजूद हमारे इस पुरवकार प्रोग्राम में शिरकत की। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद पेश करते हैं। हम अपने दूसरे वाजिब अल कदर मेहमान जनाब हकनवाज़ खान जदून के भी बहुत मशगूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और इस योम वालदैन की तकरीब को रौनक बख्शी। इलावा जी मोहब्बत खान जदून बाहर से आए के मेहमानों और गाँव व महल्ले के मेहमानों के भी नहायत ही मशहूर हैं जिन्होंने अपने बच्चों की इस पर मुसरत मौका पर शमूलियत की और योम वालदैन को पुरवकार दिया। मुअज्जज़ सामेहीन, हमारे मेहमान खुसूसी आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब फिरोज शाह साहब SSP जिला एबटाबाद और हमारे इस प्रोग्राम के सदर हाजी अकनवाज खान नायब नाजम ऑफ यूनियन कौंसल गढ़ी फुलगुरान हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे की सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। जनाब हाजी अकनवाज खान, खाया कलम के जरिए जो बड़ा रहीम और मेहरबान है और मैं दावत देता हूँ तलावत के लिए माजिद अली और नाजिया को कि वह तलावत इकलाम पाक से इस महफिल का आगाज करें। माजिद अली और नाजिया, शैतान मजदूर जी शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्यायत रहम करने वाला है। कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, मालिक लोगों के मालिक की, इलाही जो अकेला लोगों का रब है, और उस वसवसे डालने वाले के शर से हाँ वो जिनों में से हो या इंसानों में से, पाक सच्ची जात अल्लाह की है। कौन ऐसा गनी है जिससे कोई नक शमसो कमर की बात करे, कौन ऐसा गनी है जिससे कोई नक्श शमसो कमर की बात करे, जिसको शौक के मर्द को हमसे जाए तस्वीरें कायनात करे। अपने दावत देता हूँ हमद बारी ताला के लिए जिस क्लास की तालबा अनिला से, हमद बारी ताला। तेरी जात
सबसे अज़ीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है, नहीं तुझ नहीं जिसका कोई इंतहा, और है भी कोई शह मर्दान है बराबर, है इल्मे इलाही से वो उम्मीए लगब आगा, वहाँ अकले कल और तफले दुस्तान है बराबर, दोनों का नहीं अमर कम अज कम अमरे इलाही, दोनों की हदीस आया कुरान है बराबर। नाथ के लिए मैं सेवन एट क्लास के तालिब इलम जिब्रान खान को दावत देता हूँ कि वह नाथ पेश करें। बारगाहे रिसालत को कहना ही क्या, जो आया यहाँ पे नवाजा गया, बारगाहे रिसालत को कहना ही क्या, जो जहाँ को जिला, जो आया
Sallallahu alaihi wasallam.
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्ते आला जनाब मोहब्बत खान जदून मेहमान खसूसी की खिदमत में सपासनामा पेश करेंगे, तो उनको मैं दावत देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ। इसके बाद ठीक जनाब मेहमान खसूसी इज़्ज़त माँ फरोज शाह साहब SSP ज़िला इब्तिहाबाद, अस्सलामु अलैकुम रहमत। जनाब आली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट खालसतन फरोग इलम बराए इस्लाम मुआशरे जैसे अजीब निस्बोलैन के तहत 1999 में कायम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट आज अपने मुकसद उज़्मा के ऐन मुताबिक शमे जलाने और उजाले बांटने के लिए सरकर अमल है। आलीजा हम जानते हैं कि आप न सिर्फ एक ईमानदार हब्बे वतन पुलिस अफसर हैं, बल्कि आपके इलम दोस्त और इंसान दोस्त हैं, शख्सियत भी हैं। आप जैसे अजीम लोग ही दरअसल इस मुल्क खुदादार पाकिस्तान के हकीकी असासा वकार हैं। आपके हब्बे वतनी बुलंद पाया शख्सियत को मजबूत रखते हुए हमारी आपसे कुछ गुजारिशात है। उम्मीद है कि आप इनकी तकमील के लिए ज़रूर हमारी मदद सरपरस्ती फरमाएंगे। नंबर वन, हम प्रेस के ज़ेर एहतमाम अलफुरकान पब्लिक स्कूल के साथ एक हॉस्टल बनाना चाहते हैं, ताकि दूर अफसाद पहाड़ी इलाकों से भी आकर मुस्तहिक तलबा यहाँ पढ़ सकें और यहीं हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दे सकें। नंबर दो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम एक टेक्निकल कॉलेज की बुनियाद रखने वाले हैं। इससे वो तलबा जो मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, मुफ्त फनी तालीम हासिल करके अपने घराने की बाइज्जत कफालत की जिम्मेदारी निभा सकें। जनाब आली, इस मकासद उज़्मा के असूल के लिए आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं और ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमें अपने हल्का एबाब में दोनों साहबान तक हमारे पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका फजल व करम, आपकी सरपरस्ती शामिल हार रही तो ज़रूर हमारे मिशन की तकमील होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, आमीन। अब मैं चेयरमैन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मुजीबुर रहमान साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त महाब जनाब मेहमान खसूसी फरोज शाह साहब SSP डिस्ट्रिक्ट इब्तिहाबाद, जनाब सदर हाजी अफनवाज खान साहब नायब नाज़म यूनियन कौंसल गढ़ीपुर ग्राम, जनाब मोहब्बत खान जदून साहब, जनाब मलक हफीज साहब DSP हवेलियाँ और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका इंतज़ामिया अलफरकान पब्लिक स्कूल मलका और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।
आज फिर अलफरकान पब्लिक स्कूल में यौम वालदैन है। मैं कहूँ कि इन दिनों सारे अख्तबार में पेरेंट्स डे का सीजन है तो बेजा ना होगा। साल में एक दिन ऐसा होता है जो बच्चों के नहीं वालदैन के नाम होता है। इस दिन इकराम अपने स्टूडेंट्स के वालदैन को मदहू करके उनके सामने अपने साल बाहर की कारगुजारी पेश करते हैं। लायक ज़हीन स्टूडेंट्स को इनाम और अक्राम से नवाजा जाता है ताकि बाकी बच्चे इन पर रश करें, मेहनत करें और आइंदा साल वो भी इनामात के हकदार ठहरें। मैं उन ज़हीन तलबा को जो अपनी क्लास में पोजीशन होल्डर हैं और उनके मेहनती साथ इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करने पर नज़ाकत खान प्रिंसिपल अलफरकान पब्लिक स्कूल और उनके साथियों को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं क्योंकि तालीम की तौसी और माशरे में अमन व खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा या थोड़ी सी भी कोशिश करने वाले लोग ही दरअसल मुल्क और कौम के वफादार होते हैं। मैं आप सब हजरात से कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा, बिलखसूस टीचर साहिबान से। मेरे भाइयों, वक्त आपसे तकाजा कर रहा है कि नई नस्ल को सीधी राह दिखाएं। मेरे भाइयों, कौम के इन शाहीनों को आने वाले दिनों में हक और इंसाफ के अलमबरदार बना दें। इन बच्चों को दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बना दें। अपने तलबा को बताएं कि बुजुर्गों से कैसे पेश आया जाता है, वालदैन के हकूक क्या हैं, हमसायों से कैसा रवैया रखा जाता है और हमारा मकसद हयात क्या है। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ शख्स में क्या सिर्फ यही फर्क है कि पढ़ा लिखा शख्स दो लफ्ज अंग्रेजी के बोल लेता है और अनपढ़ आदमी अंग्रेजी से बेनियाज होता है। हम सब के लिए क्या ये बात बाएं से तशवीश नहीं है कि आज फिर जहालत है, आज पहले से ज्यादा नफरतें हैं। पढ़े लिखे नौजवान दहशतगर्द, तकरीबकार, डाकू और स्मगलर बन रहे हैं। क्या वजह है कि आज किताब की हुरमत है न साहिब किताब की इज्जत। मेरे साथियों, आज हर शख्स परेशान है। आप सोचें कि आज हर शख्स परेशान क्यों है। हर तरफ बेएतबारी और बेसकूनी का